नमस्कार, वेलकम बैक टू चैनल योग अरोरा। मेरा नाम है रश्मि और आपका स्वागत है आज के वीडियो में। रिसेंटली मैंने अभी एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था स्नेहापान का। स्नेहापान मतलब जिसमें हम लोग घी पीते हैं, मेडिकेटेड घी को 5 दिन तक कंज्यूम करते हैं, और ये जो है एक पार्ट है पंचकर्मा की थेरेपी जो की है विरेचना, उसका। तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि विरेचना के क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं, आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि विरेचना का प्रोसेस क्या रहता है, उसको कैसे किया जाता है, मेरे लिए वो कैसा था। मैंने फर्स्ट टाइम विरेचना थेरेपी है वो करवाया, तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, और ये सब मैं आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो अगर आप लोग विरेचना करवाने के लिए प्लान कर रहे हैं तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स है, आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए, वो भी मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और उसके बेनिफिट्स भी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग ये जानते हैं कि पंचकर्मा क्या होता है। जैसे कि इसका नाम है पंचकर्मा, मतलब 5 थेरेपीज। तो पंचकर्मा में 5 तरह की थेरेपीज होती हैं जिसके नाम है वमना, विरेचना, रक्त मोशना, नस्या और बस्ती। तो ये 5 थेरेपीज जो है वो हमारी पूरी बॉडी के लिए क्लींजिंग और रेजुविनेशन का काम करती है। तो हर थेरेपी जो है वो हर अलग अलग ऑर्गन्स पे अलग अलग तरीके से काम करती है। मैंने जो है अभी विरेचना थेरेपी करवाया है पहली बार, और उसका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो विरेचना जो थेरेपी है वो बेसिकली अब काम करती है हमारे इंटेस्टाइन्स के ऊपर। तो हमारा लिवर, किडनी, कोलॉन, इसकी जो क्लींजिंग है ये थेरेपी इस पर काम करती है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना रहता है विरेचना के अंदर, पहले मतलब हर जैसे हमारी बॉडी में दोषाज होते हैं वात, पित्त, कफ, तो जो अगर पित्त दोष ज्यादा बढ़ जाता है तो हमको ये डॉक्टर्स जो हैं वो विरेचना थेरेपी एडवाइस करते हैं। रहता है इसमें हम लोगों को पहले 5 दिन जो होता है वो मेडिकेटेड घी पीना रहता है। अब उसमें कौन से मेडिसिन हैं, कौन सा घी है, कौन सा ऑयल है, वो जो है वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि आपका क्या ट्रीटमेंट करना है, किस बॉडी पार्ट के लिए आपके अंदर दोष कौन सा ज्यादा है। तो उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि कौन जो है वो कौन सा घी पीता है। उसके बाद हम लोगों को 6th एंड 7th डे जो होता है फुल बॉडी मसाज होता है और स्टीम रहता है, तो उसके लिए जाना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्नेहन और स्वेदनन। तो जिसमें हमारा पूरा बॉडी का जो है ऑयल से मसाज किया जाता है, अगेन मेडिकेटेड ऑयल रहता है जिससे बॉडी का फुल मसाज किया जाता है, और उसके बाद 15 मिनट्स के लिए हम लोगों को स्टीम बॉक्स में बैठना रहता है। तो इससे क्या रहता है, हमारी बॉडी में जितना भी एक्सेस फैट एक्यूमुलेशन है वो रिड्यूस हो जाता है, जितने भी टॉक्सिन्स है हमारी बॉडी में वो रिलीज हो जाते हैं। एंड देन जो हमारा नेक्स्ट 8th डे रहता है, जब हमारा मेन विरेचना का ट्रीटमेंट रहता है, तो वो प्रोसेस जो है वो अच्छे से हो पाता है, जिसमें सारे टॉक्सिन्स जो रिलीज हुए हैं बॉडी में वो हमारी बॉडी से इम्प्योर जो भी इम्प्योरिटीज हैं वो रिमूव हो जाती है। नाउ कम्स द लास्ट डे जिसपे आपका मेन फाइनल जो ट्रीटमेंट रहता है ये स्टार्ट होता है। मॉर्निंग में आप लोगों को कुछ मेडिसिन लेना रहता है, तो मॉर्निंग में वो खाली पेट आप मेडिसिन लेते हैं। उसके बाद अब पूरा दिन भर हर आधे आधे घंटे में आप लोगों को गर्म पानी पीना रहता है, क्योंकि इस मेडिसिन को लेने से जो है वो कंट्रोल्ड वे में हमारे को लूज मोशंस होते हैं, हमारा मोशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आपको कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं, पहले आप लोग वो मेडिसिन लेंगे, अगर उस मेडिसिन के बाद आपको विदिन 1 to 2 आवर्स अगर मोशन स्टार्ट हो जाते हैं तो वो मेडिसिन ठीक है, आपको सेकेंड मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट मेरे एक्सपीरियंस में क्या था, मुझे फर्स्ट मेडिसिन से मोशन नहीं स्टार्ट हुए, तो मुझे सेकेंड मेडिसिन लेना रहा। वो मेडिसिन कुछ च्यवनप्राश जैसा रहता है, उस मेडिसिन को लेने के बाद विदिन 30 to 45 मिनट्स आपके मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये मेडिसिन का क्वांटिटी और ये सब अगेन डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं, ये सबके लिए डिफरेंट रहता है, किसको कितना मेडिसिन लेना है, कितना क्वांटिटी में लेना है, कौन सा मेडिसिन लेना है। तो इसके बाद क्या रहता है, हम लोगों के मोशन स्टार्ट होते हैं, एंड इस पूरे ड्यूरेशन में, क्योंकि ये मोशन हमको चलते हैं 3 से 4 घंटा, मतलब आपको हो सकता है हर 10-15 मिनट में मोशन के लिए जाना पड़े या हर घंटे में मोशन के लिए जाना पड़े, सबके लिए वैरी करता है। मेरे लिए यह था कि मुझे फर्स्ट मेडिसिन से नहीं मोशन स्टार्ट हुआ, देन सेकेंड मेडिसिन से मोशन स्टार्ट हुआ, तो विद इन एन आवर मुझे 2-3 बार जाना पड़ रहा था। और इस पूरे प्रोसेस में क्योंकि हमको मोशन 8 से 10 बार, किसी को 15-20 बार भी हो सकते हैं, तो बॉडी में वीकनेस ना आए, तो हम लोगों को पूरे दिन यहाँ पर सिर्फ पानी पीना रहता है। और ऑल्टरनेटिवली जैसे आप लोग स्टार्ट करते हैं पहले वार्म वाटर के साथ, आपने मेडिसिन लिया, वार्म वाटर लिया 1 ग्लास, एंड देन उसके बाद आपको आधे घंटे बाद 1 गिलास पानी लेना रहता है मुनक्के का। तो इसके लिए आप लोगों को रात से ही प्रिपरेशन करके रखना रहता है, आपको 10 ग्राम्स मुनक्का जो होता है ब्लैक रेजिन, उसको पानी में सोक करके रख देना है। एंड देन मॉर्निंग में उसके अंदर आप लोगों को 2 लीटर्स वाटर ऐड करके वो पानी जो है वो कंज्यूम करना रहता है हर आधे घंटे में। तो इस पानी को अगर हम लोग पीते रहते हैं तो हमको वीकनेस नहीं फील होती है, हमको भूख नहीं लगती है, क्योंकि हमको इस पूरे प्रोसेस में कुछ खाना भी नहीं खाना है, कि हमारे जो जितना भी हमारा बॉडी में टॉक्सिन्स है उसको हम रिमूव कर रहे हैं, तो उसको ऑब्स्ट्रक्ट ना करें, इसलिए हम लोगों को कुछ यहाँ पे हार्ड कंज्यूम नहीं करना रहता है। जब आपके मोशन बंद हो जाते हैं देन आप लोगों को अगेन एक मेडिसिन लेना रहता है, जिससे कि आपको थोड़ी भूख लगती है।
नाउ इसमें अब क्या रहता है कि भूख लगती है लेकिन तब भी आपको कुछ ज्यादा खाना नहीं खाना रहता है इस प्रोसेस में। तो इसके बाद आप लोग यहाँ पे चावल का पानी लेते हैं, चावल चावल को उबाल के उसका जो पानी रहता है वो निकाल लेते हैं और चावल का पानी लेते हैं भूख लगने के ऊपर। इसके बाद हम लोगों को अगेन कुछ डाइट फॉलो करना रहता है फॉर नेक्स्ट 3 to 4 days, क्योंकि इसमें हमारा पूरा लिवर जो है, हमारा पूरा कॉलन, इंटेस्टाइन पूरा एकदम खाली सा हो जाता है। अगर यहाँ पे कोई भी इम्प्योरिटीज है सब रिमूव हो जाती है, तो एकदम से अगर आप लोग किसी चीज को क्लीन करने के बाद वहाँ पे एकदम से खाना डाल दोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है आपकी बॉडी में, आपका डाइजेशन जो है वो एकदम से वीक हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि अगर आप लोग इस तरह से फूड लेंगे तो हमको कॉन्स्टिपेशन का या डायरिया का कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए कुछ डाइट फॉलो किया जाता है। तो मुझको जो डाइट दिया गया था उसमें ये था कि जैसे फर्स्ट डे तो ये विरेचना हुआ, रात में राइस का वाटर लिया 1 glass, दैट्स ऑल लेंगे फर्स्ट डे। सेकेंड डे में हम लोगों को, मतलब मुझको एडवाइस किया गया था कि आप मूंग दाल का पानी लेंगे, जो साबुत मूंग होती है, साबुत हरी मूंग, उसका पानी लिया और रात में, और मॉर्निंग में चावल का पानी और थोड़े चावल के दाने भी लिए। इसके बाद ये सेकेंड डे रहा। थर्ड डे में फिर अगेन दाल का पानी लिया, फिर रात में दाल का सूप लिया, यही हरी मूंग की दाल का। एंड फोर्थ डे में मॉर्निंग में हरी मूंग दाल का सूप, चावल का पानी, एंड देन रात में खिचड़ी। इसके बाद अगेन फिफ्थ डे में भी खिचड़ी लिया, मूंग की दाल का खिचड़ी या फिर मूंग की दाल का सूप। एंड देन उसके बाद ये 4 to 5 days चावल का पानी, मूंग की दाल और मूंग की दाल की खिचड़ी, ये सब लेने के बाद आप लोग नॉर्मल जो रहता है हमारा डाइट वो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। बट उसमें भी हम लोगों ने, मतलब मैंने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रखा कि लाइट फूड ही लिया जाए, घर का ही खाना खाएं। और इनफैक्ट विरेचना स्टार्ट होने से पहले और विरेचना जब हम लोग घी कंज्यूम कर रहे हैं उस टाइम पे भी हम लोगों को डॉक्टर जो है वो एडवाइस करते हैं कि आपका डाइट कैसा रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग 5 दिन वहां पर घी ले रहे हैं, तो हम लोगों को कुछ ऐसा फूड कंज्यूम नहीं करना है जो हमारी बॉडी में घी के साथ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करे। क्योंकि घी लेने का जो प्रोसेस है स्नेहपान, उसके भी कुछ बेनिफिट्स रहते हैं। वो हमारी पूरी बॉडी में जब तक हमारे पोर्स से वो पीप आउट होना स्टार्ट नहीं करता है, उस लेवल तक हम लोगों को कितना क्वांटिटी घी लेना है वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं इसके बेसिस के ऊपर। तो उस टाइम पे हमारे फूड का भी हम लोगों को ध्यान रखना है, जैसे कि हमको बताया गया कि दही नहीं लेना है, फ्रूट्स नहीं लेने हैं, फ्रूट जूस नहीं लेना है, फर्मेंटेड नहीं खाना है, जैसे कि डोसा हो गया या फिर स्प्राउट्स नहीं खाने हैं, और मतलब मोर ऑफ मूंग की दाल लेनी है ज्यादा, और क्योंकि मूंग की दाल लाइट रहती है, पेट पे हैवी नहीं करती है, तो मूंग की दाल लेनी है। तो ये डाइट फॉलो किया ड्यूरिंग स्नेहपान 5 दिन जो हमारे थे उसके टाइम पर। नाउ स्पेशली विरेचना में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये 5 दिन जिसमें घी कंज्यूम करना रहता है, जिसको हम लोग स्नेहपान बोलते हैं। तो स्नेहपान मतलब आजकल काफी चल रहा है कि हम लोग वेट लॉस के लिए हम लोगों को मॉर्निंग में घी कंज्यूम करना चाहिए, 1 स्पून घी लेना चाहिए गर्म पानी के साथ। बट अब अगेन, मतलब आई वुड से कि अगर आप लोग ये स्टार्ट करते हैं जस्ट नो लुकिंग एट द वीडियोज या कहीं से सुन के, तो इट कैन क्रिएट सम प्रॉब्लम ऑल्सो, क्योंकि ये थेरेपीज जो है ये हर बॉडी से डिफ्रेंशिएट करती है, हर किसी के लिए अलग कौन सा घी अच्छा है, कितनी क्वांटिटी में अच्छा है, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते। ये एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ही हम लोगों को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं हमारी बॉडी, हमारा लाइफ स्टाइल एग्जामिन करने के बाद, क्योंकि अगर स्नेहपान गलत तरीके से किया जाए तो इट कैन बी वेरी हार्मफुल ऑल्सो। स्पेशली अगर आपका वेट ज्यादा है तो हम लोगों को घी कौन सा कंज्यूम करना है जिससे हमारा वेट गेन ना हो, तो वो यहाँ पर देखना होता है। और प्रेगनेंसी के टाइम पे, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे घी कंजम्पशन जो है वो नहीं एडवाइस किया जाता है, जिससे हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और हार्ट पेशेंट्स के लिए जिनका बीपी ज्यादा है, जिनको ऑलरेडी लिवर में प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए भी घी कंजम्पशन जो है वो कैन क्रिएट सम प्रॉब्लम्स। एंड डायबिटीज में भी आप लोगों का जो इंसुलिन लेवल है उसमें भी ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो घी कंजम्पशन अगर आप लोग घर पे खुद से भी स्टार्ट करना चाहते हैं फॉर जनरल गुड हेल्थ विरेचना के पार्ट के अलावा, तो भी इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि आप डॉक्टर से एडवाइस लेके ही इसको स्टार्ट। हम लोग बात करते हैं विरेचना के बेनिफिट्स के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया विरेचना थेरेपी हमारी लिवर का क्लींजिंग होता है, हमारे इंटेस्टाइन का क्लींजिंग होता है, तो उससे रिलेटेड जो भी हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं वो यहाँ पर हम लोगों को हेल्प करता है। जैसे कि हमारा इनडाइजेशन हो गया, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन या डायरिया की प्रॉब्लम होती है, तो ये उसमें हेल्प करता है। अगर हमारी बॉडी में कोई अल्सर्स हैं तो उसको ये रिमूव करता है। उसके अलावा ये हमारी स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, जैसे कि एक्ने हो गया या एक्जिमा हो गया, जनरली भी स्किन में ग्लो लाने के लिए भी विरेचना थेरेपी जो है वो बहुत हेल्पफुल है। और इसके अलावा ये हमारे डायबिटीज में या हमारी बॉडी में कुछ पेन है बिकॉज ऑफ आर्थराइट या बैक पेन, लोअर बैक पेन जो प्रॉब्लम्स है उसमें भी ये हेल्प करता है। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस ऑफ विरेचना थेरेपी। अगर आप लोगों ने भी विरेचना करवाया है तो कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए, आपको क्या क्या बेनिफिट्स फील हुए वो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप लोग विरेचना करवाने का प्लान कर रहे हैं देन ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट जो है वो मैं बस्ती करवा रही हूँ, तो बस्ती का मेरा कैसा प्रोसेस रहेगा और मुझे कैसा फील होता है बस्ती करवाने में, उसका एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो
तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।